गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? कैमोन आछो। आज कुछ डिफरेंट। सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा सा वेदर है और मेरा एक्सरसाइज एंड ऑल डन हो गया है और अभी पी रही हूँ गर्म पानी नींबू डाल के। प्लान से भी थोड़ी बहुत हाय हेलो हो गई है, गुड मॉर्निंग बोल लिया है, गुफ्तगु हो गई है, तो सुबह का मोस्टली जो मेरा अपना काम होता है वो डन हो चुका है। ये लास्ट है, इसके बाद लगेंगे घर के कामों में और आज बहुत सारा काम है। सैटरडे है और मेरा सारा स्पेशल काम ना वीकेंड में ही होता है, तो वीकेंड आजकल ज़्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि वीकडेज में तो चलता है हमारा होम स्कूल और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ एक्स्ट्रा करने का। तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, ऊपर की भी क्लीनिंग बहुत दिन हो गए हैं, ठीक से नहीं हुई है, इनके टॉय रूम की नहीं हुई है, कारपेट क्लीनिंग नहीं हुई है, किचन की भी काउंटर टॉप्स की सारा सामान हटा के बहुत दिन हो गया, डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो ये सब करने वाली हूँ मैं। और काम करने से पहले चाहिए खूब सारी एनर्जी, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी मस्त वाले आलू के पराठे बनाएंगे ताकि पेट बिल्कुल फुल हो जाए और फिर लगेंगे काम पे। और आलू में डाला है मैंने नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी मेथी लीव्स थी मेरे पास तो मेथी और पुदीना लीव्स डाली हैं, कोरिएंडर लीव्स खत्म हो गई हैं, और फ्रेश कुटा हुआ भुना हुआ जीरा और धनिया और थोड़ा सा अदरक भी डाला है ग्रेट करके, और मिर्ची बाद में डालूंगी इन दोनों के लिए बनाने के बाद। घर का वाइट वाइट मक्खन अब जाएगा गरम गरम पराठे के ऊपर और हो जाएगा मेल्ट। पुदीने की चटनी, ये लो जी पराठा मक्खन मार के। मक्खन बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू। ये देखो हालत, सोफा के नीचे कितना ज़्यादा डस्ट गिरा हुआ है, ये लोग स्नैक्स खाते हैं यहाँ पे और सब गिराते हैं। मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया था ना कि यूरेका की तरफ से ये वैक्यूम क्लीनर आया है, 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ मैं और इतना ज़्यादा हैंडी है। और सबसे इजी पता है क्या होता है कि इसको कहीं पे भी ना स्टैंड कराओ, इसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। इससे पहले जो मेरे पास स्टैंड वैक्यूम क्लीनर था ना वो ऐसे ना खड़ा नहीं होता था, उसको सपोर्ट चाहिए होता था। और इसी चक्कर में ना मैंने कितनी बारी उसको गिरा दिया और एक दो बार वो टूट भी चुका है किसी तरह से, फेविकॉल से वो ज्वाइंट तो किया था बट वो ठीक से चलता नहीं है। कॉर्डलेस है, एक बार ही चार्ज कर लो, 1 घंटा आराम से चलता है और 1 घंटे में आपके पूरे घर की सफाई तो हो ही जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है कि प्लग पॉइंट नहीं है तो उस जगह पे क्लीन कैसे करें। इनफैक्ट कार क्लीन करने के लिए भी इसका छोटा वाला जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कार क्लीन करने में ना फिर कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है कि उतना लंबा कॉर्ड होता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये फोल्डेबल है, टिल्ट हो जाता है, तो किसी भी फर्नीचर के टेबल के नीचे का पार्ट क्लीन करना है ना तो बहुत इजीली इसको आप अंदर डालो और अच्छे से क्लीन हो जाता है। और 2-in-1 है ये, एक स्मॉल डिटैचेबल क्लीनर भी आता है, तो इससे जो स्मॉल एरियाज होते हैं ना जैसे सोफा के कॉर्नर्स, बेड के कॉर्नर्स, ये सब क्लीन करने में ये बहुत हैंडी है। और इसके सामने ना ऐसे एक छोटा वाला भी है, तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना फिर स्टेयर्स के कॉर्नर्स क्लीन करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है, तो ये शकेश भी आराम से ये वाला कारपेट क्लीन कर लेते हैं। इजी टू हैंडल है, कॉम्पैक्ट है और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, 5 ईयर्स की वारंटी भी है, तो अगर मान लो टूट फूट गया, कुछ प्रॉब्लम आ भी गई
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 इयर्स की वारंटी है। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और अभी सिर्फ कॉस्को में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी मिलेगा, स्टोर में भी मिलेगा। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेक करना। और ये सिर्फ अभी के लिए कैनेडा में अवेलेबल है, जब अगर आगे जाके यूएस में या फिर किसी और कंट्री में अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। और बहुत अच्छा सेल भी स्टार्ट होने वाला है 22 जून से 28 जून तक, इन स्टोर भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। सो इन केस आप कैनेडा में हो और सोच रहे हो वैक्यूम क्लीनर लेने का तो एक बार ही चेक जरूर करना। लिंक और प्रोडक्ट डिटेल सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ये ना बच्चों ने एक बार ये जूस गिरा दिया था, मैंने सोप से भी वॉश करके देख लिया। आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो प्लीज जरूर बताना कि ये दाग मैं कैसे हटाऊं। ऑल क्लीन। डीप क्लीनिंग करो और इनके टॉयज ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये लो भाई, कॉइन भी मिल गया, खजाना। ये वाला कॉर्नर ना डेली साफ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारा टेबल हटाना पड़ता है, तो वही मंथ में ट्राई करती हूँ कि एक बारी सारा टेबल सब कुछ हटा के वहाँ पे क्लीन कर दूँ। और इन लोगों के टॉयज तो पड़े ही, वो ज़रूर मिलता है वहाँ पे। ऐसा होता है यहाँ पे हीटर, दो तरह के हीटर्स होते हैं। अल्बर्टा में मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा, यहाँ बीसी में ये बड़ा कॉमन है, मे बी अपार्टमेंट या रेंटेड फ्लैट में ज़्यादा कॉमन है। इस तरह का बोर्ड हीटिंग टाइप्स बोलते हैं इसको, बट ये ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है और हीटिंग कम होती है, नॉट गुड। ये वाला सकलेंट ना जब आया था ना तो बहुत सॉफ्ट था और छोटा छोटा था, हमें लगा नहीं था कि बचेगा, बट हमने इसको विंडो साइड पे रख दिया और बहुत कम पानी देते हैं, बट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये वाला तो जब आया था ना तो इतना छोटा था, और कितने 8-9 मंथ्स हुए होंगे, इतने बड़े हो गए, लोटस फ्लावर के जैसे लग रहे हैं ना। चलो हो गई कॉर्नर की सफाई, अब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पहुँचाते हैं। स्पाइडर प्लांट को ना थोड़ा सा इधर करना है क्योंकि यहाँ पे ना कबर्ड के कारण इसको स्पेस नहीं मिल रही है और इस जगह से ना लीव्स नहीं आ रही हैं। प्लांट को इस साइड कर देती हूँ और इन सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट। और स्पाइडर प्लांट ग्रो करना बहुत इजी होता है, ज़्यादा पानी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि बिगिनर्स के लिए 6 to 7 इंडोर प्लांट्स कौन से हो सकते हैं जिनको ज़्यादा केयर नहीं लेना पड़ता है और इजी टू ग्रो होते हैं, तो बताना मुझे। और ये हैं स्पाइडर प्लांट्स की बेबीज, इनको कट करके ना न्यू प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं इजीली। इसको ज़रूरत है थोड़े से पानी की क्योंकि मिट्टी ड्राई हो चुकी है। तरह से पोछा लगाना ना बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है ना, जो भी हमारे पुराने काम करने के तरीके होते थे, घर के काम करने के तरीके, वो एक्चुअली देखा जाए साइंटिफिकली तो उस तरह से अगर प्रॉपर किया जाए तो काफ़ी वेट लूज हो जाता है, लाइक टमी फैट, इस तरह से प्रेशर पड़ता है ना टमी पे। आजकल आ गए सब मॉडर्न चीज़ें यूज़ करते हैं।
सो लिविंग एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है, सब कुछ साफ सुथरा, चमका चमका। प्लांट्स भी हैप्पी हो गए हैं कि उनको क्लीन क्लीन कॉर्नर मिल गया है फिर से। टेबल टीवी सबकी डस्टिंग भी हो चुकी है, कारपेट क्लीन हो चुका है। अब थोड़ा सा जूस ब्रेक लिया जाए। एक्चुअली सबने मॉर्निंग में जूस पी लिया था, मैंने नहीं पिया था क्योंकि लेमन वाटर पीती हो ना उसके बाद फिर से खट्टा पीने का मन नहीं करता है। और खाना खा लिया था, खाने के साथ भी जूस या फ्रूट नहीं खाना चाहिए, मैंने रिसेंटली मुझे पता चला है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि सुचि तुम्हें यह भी नहीं पता, नहीं मुझे हमेशा से लगता था कि चलो फ्रूट तो आप कभी भी खा सकते हो, बट फ्रूट खाने का जूस पीने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है, तो खाने के आधे एक घंटे बाद फ्रूट या जूस पीना चाहिए क्योंकि फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और खाना टाइम लगाता है। सो इसलिए मैं अभी थोड़ी सी एनर्जी गेन करती हूँ, जूस फिनिश करती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी अपस्टेयर्स की क्लीनिंग। और इन केस कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि पति हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, पति हमेशा हेल्प करते हैं। जो लोग बहुत पहले से मुझे देखते हैं, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि अनुज कितना हेल्प करते हैं। कुछ एक नए नए दोस्त आते हैं ना, फिर जिस ब्लॉग में अनुज हेल्प नहीं करते हैं उन्हें लगता है अरे ये पति तो हेल्प ही नहीं करता, बट ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितना हेल्प करते हैं ना वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा मैं नहीं मान सकती क्योंकि उनके अपने काम भी होते हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग मी क्लीन अप, आराम से प्ले करने के लिए। ये अच्छे से प्ले कर लेते हैं तो फिर मुझे टाइम मिलता है कि मैं भी आराम से क्लीनिंग कर पाऊँ, है ना। अब ऊपर जाएंगे, आपके टॉय रूम की क्लीनिंग करनी है और उसमें आप करोगे, आप लोग करोगे दोनों कामचोर नंबर वन टॉप मोस्ट। ये बहुत काम करती है, ये है कामचोर नंबर वन। जैसे ही थोड़ा सा दो माय हैंड, चलो स्टेयर्स के इकेयुष ये बकेट लेके जाओ बेटा। हाँ ये मैं क्लीन कर लूंगी, आप ये बकेट लेके जाओ। और ये सारे स्टेप्स पे जितने भी टॉयज हैं सारे जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, ओके। बहुत दिनों से बुक अरेंज नहीं किया था, सारा ये लोग मिक्स कर देते हैं, रीड करते हैं और मिक्स कर देते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, स्टडी बुक्स, स्टोरी बुक्स, केयुष की स्टोरी बुक्स, केयुष के रिलेटेड स्टडी बुक्स, वो सब अलग अलग करके फिर अरेंज करती हूँ कि कुछ ढूंढना हो तो इजीली मिल जाए। ये सारी येशा की प्री स्कूल की बुक्स अभी काम आ रही है केयुष के लिए। जब केयुष ने डायपर पहनना छोड़ा था ना उससे पहले मेरे पास काफी सारा डायपर एक्स्ट्रा और इस तरह के बेबी वाइप्स एक्स्ट्रा पड़े हुए थे क्योंकि हम कॉस्को से लेते थे और कॉस्को में आता था सब कुछ बल्क में, तो नए नए डायपर के पैकेट्स रखे हुए थे तो वो तो मैंने डोनेट कर दिए। ये बेबी वाइप्स मैंने रख लिए थे, लाइक स्किन पे यूज नहीं करती हूँ, बट ये जो बेड साइड क्लीनिंग फिर विंडो साइड की क्लीनिंग ना, बेसिकली ये बेडरूम की क्लीनिंग ना मैं इसी से कर देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होता है और परेशानी भी कम। जस्ट निकालो, क्लीन करो और थ्रो करो। साफ साफ बेड पे लोगों को कूदना इतना अच्छा लगता है ना, नो जंपिंग, नो जंपिंग। हाँ बेटा साफ साफ रूम में ना आप लोगों को बड़ा मजा आता है, गंदा नहीं करना है, ठीक है। चलो 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 बेड से उतरो, बेड से उतरो। हाँ अब बड़ा इनको सोने का मन कर रहा है। क्लीनिंग से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लंच की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो अभी शुरू हो जाएगा इनका। भूख लगी क्योंकि 12 बज गए, तो मैंने राजमा सोख करके रख दिया था, उसमें बस नमक डाल के एक तरफ बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और एक तरफ मसाला बना लूंगी। ये एक्स्ट्रा तेल निकाल के अनियन साइड में कर लिया है, ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी निकाल लिया है, इसी में मसाला फ्राई करूंगी। क्यूमिन सीड, छोटी वाली इलायची, छोटा सा सिनेमन स्टिक, काली मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, जिंजर और गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा भुन गया है, अब मैं इसमें दो टमाटर पीस के डाल रही हूँ। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे प्याज का पेस्ट बना लिया था वो भी ऐड कर दिया है।
राजमा बॉयल हो चुका है, मसाला भी रेडी है, बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये वाला शेल्फ सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि सिंक के बगल में है ना, तो पानी आता रहता है और पानी जम जम के ये गंदा हो जाता है। डेली यूज़ में जो भी मसाले यूज़ करती हूँ ना, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे चाय, चीनी, कुछ चम्मच, छोटे वाले चम्मच, और ये ऑयल। और अब मैं वो काम करने जा रही हूँ जो करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और वो है बाथरूम क्लीन करना। बट क्या करें, करना पड़ेगा। ये देखो अचानक से क्या झमाझम बारिश शुरू हो गई है। ऐसे ही वेदर चेंज होता है यहाँ का, अभी बारिश, अभी धूप, और अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ी देर में देखोगे फिर से धूप हो जाएगी। बट बहुत मन कर रहा है कोई चाय बना के पिला दे, ऐसी इतनी ज्यादा थकान हो गई है ना सुबह से काम कर करके। अच्छा हाँ, सेम कार है। अरे ये ऑरेंज वाला वैन कितना क्यूट है। शायद एवरी सैटरडे यहाँ पे कार परेड होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं सारे मिलके, लाइक जो ओनर्स होते हैं वो भी एंजॉय करते हैं, देखने वाले भी एंजॉय करते हैं। और मैंने बताया था ना आप लोगों को यहाँ का वेदर ऐसा ही, अभी झमाझम बारिश हो रही थी और अभी देखो धूप हो गई है। तो हम वॉक करने आ गए हैं, येशा बास्केटबॉल प्ले करेगी और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। वैसे भी दिन में मैंने कोई काम नहीं किया, इनका प्ले रूम मैंने आज क्लीन नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनका टॉय ऑर्गेनाइज़ करने में, तो वो किसी और दिन करूँगी क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाफ डे काम करो, हाफ डे रिलैक्स करो, चिल करो। तो मैंने भी वही किया, फर्स्ट हाफ जम के काम किया और अब रिलैक्स करूंगी। रात को भी राजमा रखा ही हुआ है, साग भी रखा हुआ है, तो बस रोटी बनानी है, तो ऑल गुड। तो चलिए इस खूबसूरत वादियों के साथ आपको भी बाय-बाय बोलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग देख के, आपको भी क्लीन करने का मन कर गया हो, मोटिवेशन मिला हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। Bye. Happy days, we are guests.